जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं घनश्याम, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार SSC एस्पिरेंट स्टडी के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2023 यानी कि जो हमारे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम है उसके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता हो क्या, मैंने बताया कि हमारे जो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल है उसके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, कब से हुए हैं, 1 सितंबर से। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो भी हमारे जितने भी चेंजमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो देख लेते सभी एक बार, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फिजिकल होने वाला है, कितनी क्या रेंज चाहिए, कितनी क्या, प्यारे दोस्तों हमारी जो एज लिमिट होनी चाहिए, या फिर कितनी, प्यारे दोस्तों हमारी फीस लगेगी फॉर्म की, या क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो मिनिमम एज है जो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए हमारी 18 ईयर, और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25। ठीक है, यानी कि 18 to 25। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, 18 से कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर तक। उसके बाद अगर हम बात करें कर दोस्तों वैकेंसी की, वैकेंसी आपने पहले भी काफ़ी बार देख चुके हो, कहीं या अदर प्लेटफॉर्म पे देखी होंगी आपने, वैकेंसी सेम है हमारी। कितनी वैकेंसी है, टोटल 7,547 टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर कह दोस्तों हमारे जो मेल कैंडिडेट है उनकी कितनी वैकेंसी है, 5,056 है मेल की, और फीमेल कितनी है, 2,491। ठीक है, ये सभी वैकेंसी है किसकी, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की। उसके बाद में अगर हम फिजिकल की बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का। तो अगर हम बात करें मेल की, तो मेल की प्यारे दोस्तों फिजिकल की अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर। उसके बाद में चेस्ट की बात करें तो प्यारे दोस्तों आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 से 85 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए फुलाने के बाद में। ठीक है, हम चेस्ट फुलाते उसके बाद में कितनी होनी चाहिए फुलाने के बाद, 81 से 85 के बीच में। उसके बाद में अगर हम रेस की बात करें प्यारे दोस्तों, 1600 मीटर आपकी रेस रहेगी मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और कितनी मिनट में, 6 मिनट के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो 157 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, हाइट होनी चाहिए फीमेल की। उसके बाद में अगर चेस्ट की बात करें तो कोई चेस्ट नहीं होती फीमेल में, कोई चेस्ट नहीं नापी जाती। अगर हम रेस की बात करें प्यारे दोस्तों फीमेल की, तो 1600 मीटर रेस होने वाली है, और टाइम कितना मिलेगा, 6 मिनट की बजाय 8 मिनट का। ठीक है, मेल के लिए प्यारे दोस्तों 1600 मीटर 6 मिनट में, और फीमेल के लिए प्यारे दोस्तों 1600 मीटर कितने में, 8 मिनट में। ठीक है, ये हमारा हो गया प्यारे दोस्तों फिजिकल का। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो क्या होनी चाहिए, तो यह जो एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का, यह क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्लस टू बेस पे होता है, 10th+2 के बेस पे होता है, यानी कि 12th करने के बाद हम इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो एक तो 12th, और उसके बाद में LMV ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए आपके पास, होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों हमारा फिजिकल के अंदर ही लॉन्ग जंप और हाई जंप, अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें प्यारे दोस्तों किसका, मेल का, तो वो चाहिए हमारा 14 फीट। ठीक है, 14 फीट यानी कि लॉन्ग जंप। ठीक है, लंबा कूद। उसके बाद है प्यारे दोस्तों फीमेल की अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो वो चाहिए प्यारे दोस्तों हमारा 10 फीट। ठीक है, 10 फीट। उसी के साथ अगर हम बात करें हाई जंप, हाई जंप अगर प्यारे दोस्तों मेल की बात करते हैं, तो मेल का हाई जंप चाहिए प्यारे दोस्तों 3 फीट 9 इंच। ठीक है, जो हम रस्सी कूद बोलते हैं, ठीक है, कितना चाहिए रस्सी, वो चाहिए प्यारे दोस्तों 3 फीट 9 इंच। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में कितना चाहिए, फीमेल का हमें चाहिए प्यारे दोस्तों मात्र 3 फीट। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्ग जंप और हाई जंप। प्यारे दोस्तों हमने टोटल वैकेंसी देख ली है, एज देख ली है आपने, फिजिकल क्या चाहिए वो देख लिया, एलिजिबिलिटी देख ली है। अगर हम बात करें हमारा एग्जाम फीस कितनी रहेगी, तो प्यारे दोस्तों जनरल OBC और EWS के लिए कितनी फीस होने वाली है प्यारे दोस्तों, वो होने वाली है 100 रुपये फीस होगी, और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं। ठीक है, और बाकी आप सभी ने कर दोस्तों वीडियो में देख ही लिया है। अगर आप चाहते हो एक अच्छा और बढ़िया टाइम टेबल बनाकर स्टडी करना, अभी लगभग 2 मंथ के आसपास लगा सकते हो आप, इतना टाइम बचा है, तो आप अच्छे से एक बेहतरीन तरीके से स्मार्ट स्टडी करके आप ये एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को सिलेबस का जानकारी करनी है, सिलेबस की जानकारी करनी है, तो उसके लिए भी हम एक और अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो देख लिया आपने, अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।